हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। आज हम देखेंगे वीकेंड स्पेशल ब्रेकफास्ट एंड लंच मेनू। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए डोसा और कोकोनट मिल्क रेडी किया। लंच के लिए हैदराबादी स्टाइल मशरूम दम बिरयानी रेडी किया। पहले बिरयानी के लिए मैंने 4 आनियन 2 टोमेटो ले लिया। पहले आनियन को ऐसे थिन स्लाइस काटना है, पूरा आनियन को। कितना पतला काट सकता है उतना पतला काट लीजिए। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल में दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, लवंग सब डाल के अच्छा फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद हमारा स्लाइस आनियन है ना, वो भी डालना है। आनियन भी थोड़ा अच्छा फ्राई होना चाहिए। हैदराबादी स्टाइल दम बिरयानी के लिए मैंने चावल के लिए दूसरा साइड पानी रख दिया। पानी में भी होल गरम मसाला डालना है, दालचीनी, इलायची, कार्डमम ये सब। ये सेट देखो, आनियन अच्छा फ्राई हो गया। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, साथ में थोड़ा नमक भी डाल दिया। नमक डालने के वजह से लहसुन अदरक का पेस्ट कुकर में नहीं छिपेगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट का स्मेल खत्म जाने के बाद इसमें 2 टोमेटो काट लिया ना, वो भी ऐड करना है। ऑलरेडी मैं नमक डाल दिया उसमें। टमाटो अच्छा स्मैश होना चाहिए। टमाटो अच्छा स्मैश होने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ चिली पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। ये किचन किंग मसाला है ना, वो मार्केट वाला मसाला, वही मैंने ऐड किया। ये ऑयल में पूरा मसाला को अच्छा मिक्स करना है। ये साइड देखो, पानी गर्म हो गया। इसमें नमक ऐड करके मैंने बासमती राइस को साफ करके आधा घंटा पानी में सोक किया। अभी ये गर्म पानी में वो बासमती राइस को ऐड करना है, साथ में 1 स्पून ऑयल भी ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 मिनट ऐसे अच्छा मिक्स करना है, 2 टाइम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल नहीं छिपेगा। मैंने दूसरा साइड 2-3 स्पून अच्छा फ्रेश दही ले लिया। दही को अच्छा बीट करके ऑलरेडी मसाला डाल दिया ना, वो मसाला में ऐड करना है। ऑलरेडी ऑयल में चिल्ली पाउडर, गरम मसाला सब डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, ऑनियन, टोमेटो सब है। इसके साथ में दही भी ऐड करके अच्छा मिक्स करना है। दूसरा साइड मशरूम मैंने साफ करके रख दिया। मशरूम को मैंने आज 4 पीस काट लिया। आपको कितना बड़ा साइज चाहिए आप उतना बड़ा साइज काट सकता है। ये साइड देखो, वो पूरा दही ऑयल में अच्छा मिक्स होने के बाद इसमें मशरूम भी ऐड करना है। मशरूम को भी मसाला में अच्छा मिक्स करना है। एक एक मशरूम में भी मसाला होना चाहिए। अच्छा मिक्स करके मैंने 3 हरी मिर्च को ऐसे काट के डाल दिया, साथ में पुदीना धनिया भी डाल सकता है। इसे अच्छा मिक्स करना है। आपके पास धनिया नहीं है छोड़ सकता है, पुदीना भी ऐड कर सकता है। इसे 2 मिनट छोड़ दीजिए। मशरूम से पानी आके मशरूम थोड़ा बॉइल्ड होना चाहिए। अभी देखो, ये साइड मशरूम रेडी हो गया, वो दूसरा साइड चावल भी 70% कुक हो गया। अच्छा, आज हैदराबादी दम बिरयानी स्टाइल के लिए मैंने नीचे ओल्ड डोसा तवा रख दिया कुकर के नीचे। अभी दूसरा साइड राइस रेडी हो गया ना, 70% वो राइस अभी पूरा पानी निकाल के मशरूम में ऊपर डालना है। बिल्कुल पानी ना होना चाहिए। ऐसे ऊपर डाल दीजिए। ऐसे करने के वजह से आपका चावल नहीं टूटेगा, पूरा लंबा लंबा मिल जाएगा आपका खाने के टाइम। पूरा अच्छा पानी निकालने के बाद मशरूम के ऊपर पूरा डाल दीजिए। यही शाही जीरा बोल के बिरयानी के लिए सेपरेट मिलता है मार्केट में, वही ऊपर मैंने ऐड किया। और थोड़ा सैफ्रन का मिल्क भी ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए आप स्किप कर सकता है। इसके ऊपर एक प्लेट लगा के और मैंने वेट रख दिया। नीचे
ओल्ड तवा है ऊपर वेट रखे, इसे लो फ्लेम में 10 मिनट्स छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। ब्रेकफास्ट के लिए आज डोसा और कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क के लिए मैंने एक कोकोनट ऐसे काट के छोटा छोटा पीस काट के दूध निकालना है। कोकोनट मिल्क में निकालने के बाद अच्छा फिल्टर करके उसमें चीनी, थोड़ा नमक, इलायची का पाउडर डाल दीजिए। आपको वाइट शुगर नहीं चाहिए, आपका जैंगरी पाउडर भी ऐड कर सकता है। आज मैंने नॉर्मल इडली बैटर में थोड़ा पानी मिक्स करके डोसा रेडी किया। डोसा थोड़ा मोटा होना चाहिए, ये नारियल दूध वाला के लिए थोड़ा मोटा, ज़्यादा पतला क्रिस्पी ना होना चाहिए, थोड़ा थिक डोसा बन दीजिए। देखो अभी हमारा डोसा भी रेडी हो गया। मैंने रायता के लिए थोड़ा आनियन कट कर दिया। अभी रायता भी रेडी हो गया ये साइड। अभी 10 मिनट्स लो फ्लेम में रख दिया ना, ऑलरेडी हमारा राइस 70% कुक है। वो मशरूम मसाला भी ऑलरेडी अच्छा फ्राई कर दिया हम, इसलिए 10 मिनट्स लो फ्लेम में ऐसे छोड़ के अभी हमारा हैदराबादी स्टाइल दम मशरूम दम बिरयानी रेडी हो गया। गैस को बंद करके 5 मिनट्स ऐसे कुकर में छोड़ दीजिए। देखो अभी हमारा हैदराबादी स्टाइल मशरूम दम बिरयानी रेडी हो गया। इतना कलरफुल है, येल्लो मसाला, वाइट, तीन कलर अच्छा मिक्स करके बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अब ये बिरयानी को या किचन किंग मसाला यूज़ कीजिए, पैकेट वाला, मार्केट वाला, वो अच्छा स्मेल टेस्ट आता है आपको। रायता में थिक फ्रेश कर्ड यूज़ कीजिए, वो भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा खाने के टाइम। अभी हमारा स्पेशल वीकेंड स्पेशल लंच रेडी हो गया। ब्रेकफास्ट के लिए हमारा डोसा, नारियल का मिल्क भी रेडी हो गया। वीकेंड स्पेशल ब्रेकफास्ट डोसा, नारियल मिल्क, लंच के लिए हैदराबादी मशरूम दम बिरयानी रेडी है। एंजॉय कीजिए वीकेंड को।